तो बच्चों कैसे हैं आप सब। आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं बच्चों। बच्चों यू नो व्हाट, पढ़ते पढ़ते या फिर जब हम मेहनत करते हैं या फिर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना तन मन और धन दे देते हैं और सब कुछ दे देते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, फिर भी ऐसा कई दफ़ा ऐसा होता है कि यार हम ये क्यों कर रहे हैं, इन सबसे क्या हासिल होगा, यार जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमारे मन वांछित आएगा नहीं आएगा, रिजल्ट खराब आ गया तो क्या होगा, और दुनिया भर के विचार हमारे मन में आते हैं। बच्चों यू नो व्हाट, मैं भी इंसान हूँ, मेरे मन में भी सेम चीज़ आती है यार कि मैं इतने एफर्ट्स लेता हूँ, मेहनत लेता हूँ, क्या मतलब है, छोड़ दो आराम करो जिंदगी में। फिर बच्चों बच्चों हमेशा याद रखिए, जब भी आपके मन में ऐसे विचार आए, आपको उस केस में अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है, एक ही चीज़ आपको सोचनी है, आज से 5 साल के बाद क्या। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं थोड़ा कम भी सोचूं तो चलेगा, बिकॉज मेरे 5 साल के बाद मैंने अब थोड़ा बहुत, मैं सीएस करने के बाद इस लेवल पे हूँ कि मुझे एक अच्छी खासी फिक्स्ड इनकम आती है, बट स्टिल बच्चों दैट डज नॉट मीन कि मैं एफर्ट लेना छोड़ दूं। बच्चों आप एज अ स्टूडेंट, और बच्चों मेरे मेरी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जैसे मेरे सपने थे मम्मी पापा के लिए एक अच्छा घर बनाना, एक अच्छी कार खरीदना, मतलब मेरे मोस्ट ऑफ द सपने पूरे हो चुके हैं। हालांकि अभी मेरे सपनों की लिस्ट बच्चों मैं कभी रिलीज करूंगा आपको, मैं अपनी ड्रीम बुक जरूर दिखाऊंगा जिसमें 50 सपने क्या है मेरे, मैंने लिखे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बहुत पूरा करने के लिए उनको बहुत मेहनत चाहिए, कुछ नहीं होने वाला फिक्स्ड इनकम से। एनीवे तो बच्चों आज से 5 साल के बाद क्या, क्या आपने कभी ये क्वेश्चन पूछे अपने आप से? मैं अगर स्टूडेंट था, लाइक मान लीजिए कि मैं एग्जीक्यूटिव में था, तो मैं अपने आप से कई दफ़ा पूछता था, हालांकि ये तो इतना श्योर नहीं पूछता था कि 5 साल के बाद क्या, बट मैं ये सोचता था कि व्हाट इफ आई डोंट बिकम सीएस, व्हाट इफ आई कुड नॉट स्टडी, अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो क्या होगा। बच्चों 5 साल के बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ क्या होगा 5 साल के बाद। सबसे पहले घर पे आपकी इज्जत नहीं रह जाएगी, मम्मी पापा आपको बहुत ताने मारेंगे। बच्चों प्लीज़, आपके माँ बाप आपके आपके से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, बट यार उन्होंने भी तो इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने भी तो पूरा जीवन दिया है, उन्होंने भी तो अपने शौक आपके चक्कर में त्यागे हैं ना, तो अगर आपने उनको रिटर्न नहीं दिया तो क्या आप उनके लिए यूजलेस एसेट बन जाएंगे? तो फिर ताने सुनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, और आपको सबसे बुरा ताना क्या होता है मालूम है, शर्मा जी का बेटा ये मिले ना मैं इसको बहुत मारूंगा, कि वो इतना आगे निकल गया आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। पहला। दूसरा, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है अभी तक, जो आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, ये आपको देख के अपना रास्ता बदल लेंगे। बिलीव मी, इनको यही लगेगा कि साला आ रहा है कहीं 500 हज़ार रुपये उधार मांग लिया, कौन इसको उधार दे, क्योंकि इसके पास तो हमेशा ज़रूरत रहती है, नौकरी है नहीं इसके पास, और अगर नौकरी करता भी है तो नॉर्मल सी नौकरी करता है। तो ये एक चीज़ है बच्चों जो दूसरी चीज़ आपके साथ होगी। तीसरा बच्चों, आपको हर जगह ना अपनी अपने शौक मारने पड़ेंगे। आपको कोई अच्छी बाइक पसंद आई, साला आप हमेशा सोचते रहोगे वो बाइक मैं कैसे खरीदूंगा। आपको कोई अच्छी कार खरीदने की इच्छा हुई, आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करने की इच्छा हुई, बच्चों हमेशा आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक, और इतना सोचना पड़ेगा कि यार पैसे कहाँ से अरेंज करूँ। चौथी चीज़ बच्चों, शादी में दिक्कत। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लड़कों में खासकर ये होता है, लड़कियों के पास तो मतलब लड़कियों की कमी हमारे देश में, तो लड़कियों को तो प्रॉब्लम नहीं है, बट लड़कियां अगर पढ़ी लिखी हों दे ऑलवेज गेट बहुत अच्छा आपको पति मिलता है और अच्छे घर पे शादी होती है बच्चों। बट ऐसा नहीं है, मतलब लड़कियां तो हमेशा प्रिविलेज्ड ही हैं, तो बच्चों हमारे लड़कों में ना शादी की बड़ी दिक्कत आती है बच्चों, इफ़ यू आर नॉट एडुकेटेड, अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। सो बच्चों 5 साल के बाद क्या, और छोड़ दीजिए इन अपार्ट फ्रॉम ये सारी चीज़ों के अलावा, क्या आप खुद से सेटिस्फाइड फील करेंगे 5 ईयर्स के बाद? और बच्चों अभी आपके पास चांस है, अभी आपके पास मौका है, ये एज है अभी यार, साला पत्थर में हाथ मारा तो पत्थर के जा टुकड़े होते हैं, यंग है, खून गर्म है, साला अभी जो चाहे ना वो कर सकते हैं। आज से 5 साल के बाद आप सोचेंगे यार वापस से सीए शुरू कर दूं, नहीं होगा। सो प्लीज बच्चों, अगर इस डर में भी ना कि 5 साल के बाद मेरी स्थिति बहुत खराब होगी, आप अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं ना बच्चों, पढ़ लीजिए। आप बिलीव नहीं करेंगे बच्चों, आज मैं सुबह 5 बजे से नोट्स अपडेट कर रहा हूँ, और अभी मैं आपके सामने आई थिंक 5:30 या 6 बजे या 5 बजे होंगे ये वीडियो मैं आपके सामने शूट कर रहा हूँ बच्चों। मैं लगातार लगा रहा बच्चों, लगा रहा बिकॉज मुझे कंप्लीट करना था, और आज रात को और आज फिर से अभी मैं बैठूंगा, और कम से कम 4-5 घंटे का काम बाकी है बच्चों, क्योंकि मैं एक नए नोट्स पे काम कर रहा हूँ, स्पीकिंग नोट्स, और ये सेल्फ स्टडी बच्चों के लिए तो एकदम वरदान साबित होगी। तो लेट्स सी आपको ये कंसेप्ट पसंद आएगा मैं जो स्पीकिंग नोट्स का कर रहा हूँ, लेट्स सी कैसा होता है। तो बच्चों मैं बस एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, लाइफ में हमेशा कुछ करते रहिए बच्चों, कुछ ना करने से कभी भी अच्छा है कुछ करना, और आपकी एज है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों, बस ठान लीजिए आज से 5 साल के बाद आई शैल बी किंग। मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे वाइफ, मेरे हस्बैंड, मतलब अगर लड़की है तो हस्बैंड, इन सबको गर्व होना चाहिए कि वही बंदा है और हमको उसके जैसा बनना है। ठान लीजिए बच्चों आपका टाइम आ चुका है, ठान लीजिए कि करना ही है कुछ बड़ा जिंदगी में, कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है। लव यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।